बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सेक्स शुरू करने के बाद में, शुरू में तो अच्छा लगता है, इरेक्शन अच्छा आता है, मगर जब इंसर्शन करते हैं मतलब योनि में लिंग का प्रवेश होता है और थोड़ी देर के बाद में जल्दी गिर जाता है, टिकता नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको दवाई होना नहीं, क्योंकि दवाई में काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है किसी को, किसी को बॉडी एक होता है, और चाहते हैं कि भाई नेचुरल इसका इलाज हो। अब नेचुरल इलाज करना है तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करना हूँ कि नेचुरल इलाज कैसे करें। एक तो क्या है कि ये जो जल्दी गिर जाने का जो प्रॉब्लम है कि भाई टिकता नहीं है, इसमें नंबर एक है स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर दो, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लोगों को होती है, मतलब भाई जल्दी गिर जाएगा ये डर से जल्दी गिर जाता है। दूसरा, बिना बाहर निकलते ढीला हो जाएगा ये डर लगता है और इसलिए भी वो जल्दी गिर जाता है। फिर स्ट्रेस है और एक हैबिट हो चुकी है कि भाई मास्टरबेशन आप कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया और मास्टरबेशन में एक हैबिट हो गई कि जल्दी फटाफट फटाफट करना, जल्दी गिरा जाना। अब वो हैबिट ही हो चुकी है, अब शादी के बाद में वही हैबिट कंटिन्यू होती है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यही बोलता हूँ मैं बार बार कि भाई आपने एक तो कीगल्स एक्सरसाइज रेगुलरली करो, नंबर एक। नंबर दो, करते करते रुक जाना है, बाहर निकालना है और अपना लक्ष्य विचलित करना है। कोई टेंशन वाले थॉट हो, किसको पैसा देने का है, किसे झगड़ा हुआ, ऐसे कोई तो भी विचार लाओ दिमाग में। जब ऐसे कोई टेंशन वाले विचार लाएंगे, विचलित मन करने वाले विचार लाएंगे तो नेचुरली इधर गिरेगा नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। फिर बाहर निकाल के डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीथ करो, छोड़ो, लेना, छोड़ना, वो कर सकते हैं। और नहीं तो फिर स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पेनिस के ऐसा बीचों बीच या जस्ट वो जो सामने का रहता है ना ग्लांस पेनिस, सुपारी जैसा, उसके पीछे जो गड्ढा रहता है वहाँ अंगूठा नीचे रखना है, दो उंगलियाँ ऊपर, और ज़ोर से उसको कस के दबाने का है ताकि वो ढीला हो जाए। और जब वो ढीला हो जाता है तो नेचुरली गिरेगा नहीं और बाद में फिर इरेक्शन फिर आ जाएगा। जैसा आप फोर प्ले करेंगे तो फिर से इरेक्शन आएगा, फिर इंसर्शन करना है और फिर थोड़ी देर करने के बाद में फिर बाहर निकालना है, फिर लक्ष्य विचलित करो, दिमाग में टेंशन लाओ, डीप ब्रीदिंग करो, स्टॉप करो और स्क्वीज करो, ये करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्गर लास्ट कर सकते हैं। तो यह नुस्खे का इस्तेमाल करके आप आपका स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और बीच में ही जल्दी गिर जाता है उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।